देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इंसानियत को जगजोर देने वाली यह सनसनीखेज वारदात कौशाम्बी जिले के महेवाघाट थाना इलाके की है, जहां वैशी दरिंदे ने कक्षा 1 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को उस समय अपने आवास का शिकार बना डाला जब वह अपने साथी बच्चों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। वैशी दरिंदे ने रास्ते में बच्ची को रोककर उसे टॉफी खिलाने के बहाने अपनी साइकिल पर बैठा लिया और गांव के बाहर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। देर शाम तक बच्ची के घर न लौटने पर घर वालों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो मासूम बच्ची बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी मिली, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में थाना महेवाघाट के आरोपी करण के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक वैशी दरिंदे ने अपना एक बाल्य जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके विरुद्ध NSA के तहत भी लिखा पढ़ी करके न्यायालय अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात आई है। जब बच्ची स्कूल से छुट्टी हुई और बाहर खड़ी थी कुछ अपनी लड़कियों के साथ, तो एक व्यक्ति ने उसको फुसला के 20 रुपये बिस्किट के लालच में साइकिल पे बिठा के ले जाके थोड़ी दूर जाके खेत पे उसके साथ रेप किया है। इसका तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, लड़की का मेडिकल कराया गया है, हम लोग स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी NSA तक की कार्रवाई करेंगे। देख रही है क्राइम स्टोरी।